अस्सलाम वालेकुम शुरू करते हैं ईएनटी एन टी को आ, हमने ईएनटी के सारे टॉपिक्स कवर करने हैं ईयर नोज थ्रोट बट मैं शुरू कर रही हूँ थ्रोट के रीजन से और ओरल और कैविटी के रीजन से बिकॉज ईयर सीम्स बोरिंग क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी में भी पहले ईयर से शुरू किया था तो मैं वो नहीं करना चाहती थी तो लेट्स जस्ट डू इट इन रिवर्स ऑर्डर तो फर्स्ट आई कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फिर अगर टाइम बचता है तो हम अन टॉपिक्स पर भी नज़र डाल लेंगे बट फर्स्ट विल डू ऑनली द हाई हिल टॉपिक्स Uh, मैं औरल कैविटी के रीजन से शुरू कर रही हूँ उसमें जो हाई हील टॉपिक्स हैं उनको हम पहले कवर करते हैं द फर्स्ट टॉपिक इज विंसेंट एंजाइना वर्सेस विंसेंट इन्फेक्शन दोनों एक चीज़ें नहीं है हम और दो uh, नाम सेम हैं और दोनों में जो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं वो सेम हैं लेकिन हम अक्सर इनमें कन्फ्यूज़ करते हैं कि हम विंसेंट इन्फेक्शन पूछा जाता है हम विंसेंट एंजाइना लिख के आ जाते हैं दैट इज़ रॉन्ग ठीक है Uh, यहाँ पे लिखा हुआ दैट इज विंसेंट इन्फेक्शन और विंसेंट इन्फेक्शन क्या है इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच लीड्स टू एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजवाइटिस ठीक है तो ये जिंजवा की डिजीज है गम्स की डिजीज है और सुइयर है फर्मिनेटिंग है एक्यूट है नेक्रोटाइजिंग नेक्रोसिस कॉज कर रही और अल्सर्स कॉज कर रही है ये बात तो उसके नाम पर समझ आ रही है इट इज एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जेंजवाइटस दैट इज वसेंट इन्फेक्शन ठीक है जो ऑर्गनिज्म इन्वॉल्ड है इसमें बैक्टीरियल इफेक्शन है फ्यूजिफोम बेसिलस और स्पायरोकिट ये दोनों ऑर्गनिजम इस डिजीज़ के कैटरिस्टिक हैं ये दोनों उसके हम समी में नजर आएंगे ठीक है तो फ्यूजिफोम बेसिलस और जो स्पायरोकिट इन्वॉल्व है दैट इज बोरेलिया विंसेंटी ये स्पायरोट का नाम है और यूजली डिजीज़ विंसेंट इन्फेक्शन अफेक्ट करती है यंग एडल्ट को या मिडल एज परसन को ठीक है और स्टार्ट कहाँ होते हैं इंटरडेंटल पेपिला जो बिटवीन द टीथ जो गम का रीजन है वहाँ पे डिजीज शुरू होती है एंड देन फ्री मार्जिन ऑफ जनजो या फ्री मार्जिन ऑफ गम सभी प्रोलिफ्रिएट कर जाती है या एक्सटेंड कर जाती है

ठीक है डायग्नोसिस हमें करना हो कि किसुन इन्फेक्शन है या नहीं तो हम डेफि स्मेयर लेंगे गम से और उसको जब हम कल्चर करेंगे तो हमें बैक्टीरिया मिलेंगे तो उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन और मेट्रोनाइडाजोल ये ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन और मेट्रोनाइडाजो साथ में हम सिंस माउथ की हाइजीन का ख्याल रखेंगे डेंटल हाइजीन का ख्याल रखेंगे क्योंकि जहां पर हाइजीन अच्छी नहीं होगी वहीं पर बैक्टीरिया को ग्रो करने का मौका मिलेगा फ्रीकुन माउथ वॉशिज यूज करते हैं इस वाली सोडियम बायोकार्बोनेट सोलूशन वाली ठीक है तो दिस वॉज ऑल अबाउट विंसेंट इन्फेक्शन ठीक है अब बात करते हैं विंसेंट एंजाइना के जो कि लिखा हुआ है टॉन्सल के टॉपिक में तो इट इज़ इन ऑन ऑनसेट एंड विद लेस फीवर एंड लेस डिसकंफर्ट इन थ्रॉट ये जो लेस का वर्ड यूज हो रहा है ये हमने कंपेयर किया विंसेंट एंजाइना को टॉन्सलाइटर्स के साथ ट्रांसलाइटिसक्यू ट्रॉन्सलाइटस में सुइर पेन होता है सुइर डिसकम्फर्ट होता है और हाई ग्रेड फीवर होता है तो वही वही कह रहे हैं कि वेंसेंट एंड जाइना में लेस फीवर होगा और लेस डिसकम्फर्ट होगा ठीक है और मेम्ब्रेन बनेगी ओवर द टॉन्सल और, और यूजली एक टॉन्सल इन्वॉल्व करेगी अगर हम देखेंगे डिफ्थेरा या कोई और ट्रांसल डिजीज़ तो यूजली दोनों टॉन्सल्स इवाल्व होते हैं जबकि वेंसेंट एंडाइना में मोस्टली एक टॉन्सल इन्वाल्व होगा और जो मेम्ब्रेन के ऊपर बनेगी वो इजिली रिमूवेबल होगी और जब हम उसको रिमूव करेंगे तो नीचे एक रेगुलर अल्सर पड़ा होगा ऑन द टॉन्सल ठीक है जिस लाइक हमने देखा कि गम्स पर एक असर पड़ा होगा वैसे ही